हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भाई के चैनल सिने व्यू में। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक तमिल एंथोलॉजी पावा कदेव के बारे में। चार ऐसी कहानियां जो हमारा समाज ना देखना चाहती है, ना सुनना चाहती है, ना समझना चाहती है, और कुछ लोग इसे देख के भी अनदेखा और सुन के अनसुना कर देती है। ये मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि क्रोध इस मानव जाति में पक्षपात के तौर पर इस कदर गहराई में घुस चुका है कि जो हमारे हिंसा का सबसे भयावह रूप का आह्वान कराता है। और यही चीज इस मूवी में देखने को मिलता है आपको। और सबसे बड़ी विडंबना का बात यह है कि हमारे समाज के लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। दोस्तों, ये मूवी में साई पल्लवी और प्रकाश राज को देखने के लिए बैठा था, लेकिन देखने के बाद ये मूवी खत्म होने के बाद मुझे सबसे ज्यादा जो अमेज किया और सरप्राइज किया वो फर्स्ट एपिसोड था, जो सुधा कुंगरान डायरेक्ट किया था। पहला एपिसोड थंगम। हमें हर रोज मारने से अच्छा है कि जाकर मर जाओ सतार। मैं तुम्हें पैदा ही क्यों किया? पूरा गांव मेरी बेटियों को ताने देता है कि लड़के हैं या लड़की। वे कहते हैं जब तक सतार मौजूद है वो एक एक करके अपनी बहनों को दलाली कर देगा। अब मैं इनकी शादी कैसे करूंगी? इनकी खातिर मर जाओ सतार, मर जाओ, मर जाओ बेटा, हमारी खातिर मर जाओ। ये वाइक है मुख्य किरदार सतार की मां की, जो इसे रोते रोते कहती है, अपने सीने में पत्थर रख के कहती है। सतार एक ट्रांसजेंडर है और वो इसे छुपाता नहीं है। वो जानता है कि वो दूसरों से अलग है, वो इस समाज में जीना सीख लिया है, लेकिन कमी है तो क्या उसको चाहने वालों की, कोई कोई इसे प्यार करे। बस उसका एकमात्र दोस्त है सरनन, जो उसे हीन भावना से नहीं देखता है, और सरनन उसकी बहन को पसंद करता है, लेकिन सतार अपने दोस्त सरनन को पसंद करता है। इसी लव ट्रायंगल के बीच में ये कहानी बढ़ती है और समाज का क्रूरता को देखने को मिलता है। जो दूसरा एपिसोड है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा टेक्निकल वाइज, वो है इस एंथोलॉजी का आखिरी एपिसोड और इरोगो, जिसमें साई पल्लवी और प्रकाश राज को देखने को मिलता है, और डायरेक्ट किए हैं बैटरी मरन सर ने। जामफाड़ आदमी है ये। 2015 में इंट्रोगेशन के नाम की एक मूवी आई थी जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। टेक्निकल वाइज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिंगल टेक सीन और विदाउट म्यूजिक वाला सीन बहुत ही लाजवाब लिया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ऑडियंस को कन्विंस करना बहुत इजी होता है, लेकिन जो काम विदाउट म्यूजिक के साथ बैटरी मरन सर ने किया है वो लाजवाब किया है। जो सिंगल टेक सीन है वो सीन मुझे एक अपने फूफा घर के याद दिलाता है, जिसे छोटा सा फंक्शन होता है और हर कोई कोई सब्जी काट रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। ये सब सीन बहुत ही अच्छा से किया गया है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है। साई पल्लवी जो काम किया है बहुत ही उम्दा काम। और प्रकाश राज का कहना ही बात अलग है। उनके आंखों में एक खोखलापन दिखता है कि वो समाज के दबाव पे ये काम कर रहा है, लेकिन वो उनके अंदर में इच्छा कुछ और है। जो लेकिन आखिर जीत किसका होता है? जो समाज चाहता है। इस एपिसोड में आपको ये चीज देखने को मिलता है जो टेक्निकल वाइज मुझे सबसे अच्छी लगी। फिर बात करेंगे थर्ड एपिसोड के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है गौतम मेनन सर ने, जिन्होंने बहुत ही सरलता से दिखाया है कि एक औरत के मन में अपने इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या चलते रहता है। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलता है कि एक बच्ची का रेप हो जाता है। एक तरफ उसकी माँ है और एक तरफ उसके पिता। उसकी माँ हमेशा सिखाते रहती है कि एक औरत को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह सोना चाहिए, किस तरह बात करना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अपने बच्ची को रोकना नहीं चाहते, टोकना नहीं चाहते हैं, जो चाहे इच्छा उसको करने देते हैं। बहुत ही इमोशनल बाजी से दिखाया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिर बात करेंगे सेकंड एपिसोड के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है बिग्नेस सिवन ने। यह एक डार्क ह्यूमर है जिसमें एक पिता है जो अपने इज्जत जात धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिनकी दो बेटियां हैं, एक जो दूसरे जात के लड़के से प्यार करती है और एक लेस्बियन है। इस सेंसिबल टॉपिक में जो कॉमेडी डाला गया लाजवाब है जो, और इस एपिसोड में सबसे बड़ा स्कोर करता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो। आपको ट्रेलर में सुनने को मिलता है जो लाजवाब है। और फिर कुल मिलाकर जो बात करना चाहता हूं, पाव का अधिकार एक मस्ट वॉच सिनेमा है, जाके जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।